फ्रेंड हम पढ़ रहे थे संधि के विषय में। देखिए संधि के विषय में हमने जाना संधि के कितने भेद होते हैं, तीन, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। अब स्वर संधि जो है हम कंप्लीट कर चुके थे, उसके भी मैंने आपको कितने भेद बताए थे, आठ भेद बताए थे। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयादि, पुरु, परूप और टकृति भाव। आप देखिए आज जो हम अध्ययन करेंगे व्यंजन संधि के विषय में, ठीक है, व्यंजन संधि के विषय में जानेंगे। अब व्यंजन संधि किसे कहते हैं, उसमें तो क्या होता था, इधर पद के अंत में भी क्या था, स्वर आता था, और इधर भी पद के प्रारंभ में भी क्या आता था, स्वर आता था। दोनों मिलकर के क्या करते थे, स्वर का निर्माण करते थे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें था इधर जो आपके पद के अंत में क्या आएगा, व्यंजन वर्ण आएगा व्यंजन संधि में, और इधर क्या आएगा, स्वर भी हो सकता है व्यंजन भी हो सकता है, और दोनों मिलकर के क्या निर्माण करेंगे, व्यंजन वर्ण का ही निर्माण करेंगे। बस इसकी ये पहचान है। आपको क्या देखना है, इधर पद के प्रारंभ में दोनों का अर्थ भी आपका सार्थक होना चाहिए, और इधर आपका क्या होना चाहिए, अंत में व्यंजन वर्ण होना चाहिए, और इधर आपका स्वर भी हो सकता है व्यंजन भी हो सकता है, लेकिन दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, व्यंजन वर्ण का ही निर्माण करेंगे। देखिए आइए परिभाषा जानते हैं व्यंजन का। अब देखिए व्यंजन मैंने आपको इस तरीके से लिखा है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, जिस तरीके से अपन संधि लिखते हैं इस तरीके से, कंफ्यूज नहीं होना, इस तरीके से भी संधि लिख सकते हैं और इस तरीके से भी संधि लिख सकते हैं, दोनों ही शुद्ध है। कभी जब आपकी क्लास होंगी, स्कूल ओपन हो जाएंगे, तो हम इसका भी विस्तार से आपको अध्ययन करवाएंगे, ठीक है। व्यंजन संधि का, व्यंजन का किसी व्यंजन या स्वर के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे क्या कहते हैं हम, व्यंजन संधि। चलो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, व्यंजन कहते हैं। व्यंजन संधि के अनेक भेद हैं, बहुत सारे भेद हैं, लेकिन आज हम केवल दो संधियों के विषय में पढ़ेंगे, व्यंजन संधि, सचुत्व संधि, सचुत्व व्यंजन संधि और सचुत्व व्यंजन संधि। अब इसका नियम क्या होता है, देखिए इसका जो सूत्र है आपका, सूत्र से ही आपको नियम क्लियर हो जाता है। देखिए इस तो सचुना सचु, ये आपका जो दंतश है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, तालव्य से हो जाएगा, और तब जब पद के अंत में होगा, देखिए एग्जाम्पल से अच्छे से आपको समझ में आएगा, और ये तैवर के स्थान पर क्या हो जाएगा, चैवर्ग हो जाएगा। देखिए से या तैवर्ग, तैना से पहले या बाद में क्या हो, सा, कौन सा, तालव्य सा और चैवर्ग हो, तो से के स्थान पर तो क्या हो जाएगा, इस दंतश के स्थान पर तालव्य से हो जाएगा, और तैवर्ग के स्थान पर चैवर्ग हो जाता है। जैसे आपका देखिए रामस सेते, क्या रामस सेते, यहाँ पर क्या है आपका दंतश है इसके स्थान पर, इधर क्या है आपका तालव्य है, इधर क्या है आपका तालव्य है, तो हमको क्या करना है, इस से के स्थान पर कौन सा से करना है, ये वाला से करना है, कौन सा, दंतश शय के स्थान पर क्या करना है, तालव्य शय करना है, तो क्या रूप बनेगा, रामस सेते, क्या बनेगा प्यारे बच्चों, रामस सेते। अब देखिए सत धन चित, जब मैंने आपको बताया था त वर्ग के स्थान पर चय वर्ग हो जाता है, उसको कैसे क्लियर करेंगे, तय के स्थान पर क्या होगा, चय वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर तय का देखिए वर्ग का कैसे होगा, अगर ये वाला वर्ण आया है तो ये ही अपने प्रारंभ के चय वर्ग के प्रारंभ का वर्ण क्या है आपका, चय ही है, इसमें चेंज हो जाएगा। अगर ये आ रहा है एग्जाम्पल में, तो इसके स्थान पर कौन सा, द्वितीय वर्ण चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ क्या क्या है, तय वर्ग का प्रारंभ का है, तो यहाँ पर क्या है, चय वर्ग का प्रारंभ का है, तो हम इस तय वर्ग के स्थान पर चय वर्ग का ही प्रारंभ करेंगे, यानी कि चय ही आएगा, सचित, क्या बनेगा, सचित। और देखिए इसके एग्जाम्पल, आप जैसे आपका है पेश धनता, क्या बनेगा, पेश धनता तो उदय है सचुत्व संधि में, और देखिए सचुत्व संधि के एग्जाम्पल देखते हैं अभी, जैसे आपका सत धन जन क्या है, सत धन जन, ये आपकी बुक के है, आप देखिए यहाँ पर तय है तो इसके स्थान पर क्या आएगा, जय, आप देखिए सज्जन, क्या बनेगा, सज्जन, रूप क्या बनेगा प्यारे बच्चों, सज्जन बनेगा, क्या बनेगा, सज्जन, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आपके कस धन चित, देखिए फोर्थ एग्जाम्पल है कस धन चित, क्या है, कस धन चित। अब देखिए हम इस कसधन चित के स्थान पर इस वाले सह के बाद क्या है, चैवर्ग है, तो अपन इस सह के स्थान पर क्या करेंगे, तालव्य शय करेंगे, दंतस्य शय के स्थान पर तालव्य शय क्या बनेगा, रूप कश्चित, क्या बनेगा, कश्चित, ठीक है। कुछ अपन को एग्जाम्पल अर्थ की दृष्टि से सही करने पड़ते हैं, और इसके व्यंजन संधि के बहुत सारे नियम होते हैं, सूत्र होते हैं, लेकिन हमको केवल अपने सिलेबस में है उसी का अध्ययन करना है, ठीक है पहले बच्चों। अब देखिए सटुत्व संधि,
सटोत्तर संधि में क्या होता है, जैसे यहाँ पर इस्तो सचु न सचु, इसी प्रकार से इसका सूत्र होता है इष्टो सतु न सटु, इष्टो सटु न सटु। इस वाले सह के स्थान पर कौन सा सह है, ये दंतस्य सह है। कौन सा दंतस्य सह के स्थान पर कौन सा सह हो जाएगा, इसको हम कौन सा सह बोलेंगे, मूर्धन्य सह। कौन सा बोलेंगे पहले बच्चों, मूर्धन्य सह। इस दंतस्य सह के स्थान पर मूर्धन्य सह हो जाता है, जैसे सह या तय वर्ग, और ये क्या है, ये तय वर्ग है। तय वर्ग के बाद यहाँ पर स्टो टू आ रहा है, टू आ रहा है तो मतलब क्या होगा, टू मैंने बताया था इनका शॉर्ट रूप जो वर्ग का बोलते हैं कुछ टू तू बोलते हैं, तो इसका टू का क्या होगा, तय वर्ग होगा। तो इस तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, तय वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा पहले बच्चों, तय वर्ग हो जाएगा। अब देखिए आप, इस कोई वर्ण हो, जैसे सह के स्थान पर क्या हो गया, दंतस्य सह के स्थान पर मूर्धन्य सह कर दिया हमने, और तय वर्ग के स्थान पर तय वर्ग किया। क्या किया, तय वर्ग के स्थान पर तय वर्ग किया, जैसे रामस धन षष्ठ, रामस धन षष्ठ। अब क्या होगा, इसके स्थान पर हमको क्या करना है, मूर्धन्य सह करना है। दंतस्य सह के स्थान पर क्या करना है, मूर्धन्य सह करना है। रूप क्या बनेगा, रामस षष्ठ। क्या बनेगा प्यारे बच्चों, रामस षष्ठ। अब देखिए पेज धनता, क्या बना, पेज धनता। अब देखिए यहां पर क्या है, मूर्धन्य सह है, क्या है मूर्धन्य सह, और यहां पर क्या है तम, तो अपन को परिवर्तन किसमें करना है, तय में करना है। क्या करना है, तय में परिवर्तन करना है। रूप क्या बनेगा, पेस्टा। ठीक है, क्या बनेगा पहले बच्चों, पेस्टा। और एग्जांपल देखिए आप, मैं इधर से रफ कर देती हूं आपको, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं व्यंजन संधि के। देखिए पहले तो हम जो आपकी सचोत्तर संधि है उसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपका हरिस्धनचय, हरिस्धनचय, ये किसके हैं, सचोत्तर संधि के एग्जांपल लिखते जाना आप लोग, हरिस्धनचय, इसी के आपको अभ्यास होगा। रूप क्या बनेगा आपका, हरिश्चय। क्या बनेगा पहले बच्चों, इस सह के स्थान पर क्या करना है अपने को, तालब्य सह करना है। क्या करना है, तालब्य सह। तो रूप बनेगा आपका हरिश्चय। क्या बनेगा, हरिश, क्योंकि आपको किसके स्थान पर चेंज करना है, इस दंतस्य सह के स्थान पर तालब्य सह करना है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए इसके, शत्रुंजन, देखिए शत्रुंधन जयति। अब देखिए इसके स्थान पर हमको क्या करना है, चय के स्थान पर क्या होता है, चय 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 न। ठीक है, इस ना के स्थान पर तय तय न का त वर्ग करना है, लास्ट अंतिम है, और चय का क्या होगा, इस तरीके से होगा अंतिम ना, तो अपन को इसके स्थान पर ये वाला न करना है, अण। ठीक है, तो रूप क्या बनेगा आपका, शत्रुंजय। क्या बनेगा प्यारे बच्चों, शत्रुंजयति, शत्रुंजयति, शत्रुंजय भी बोल सकते हैं। ठीक है, और देखिए एग्जाम्पल, और देखिए सतधन चरित्रम, सतधन चरित्रम, सतधन चरित्रम। रूप क्या बनेगा आपका, अब देखिए इस चय के स्थान पर इस तय है, तय का प्रारंभ का ही है, मैंने बताया था सचित, अभी इसका बनेगा सच चरित्रम। क्या बनेगा, सच चरित्रम, सच चरित्रम। और देखिए आप एग्जाम्पल आपका सद्धनचित हो गया, सचित रामस्यति बता दिया था। कुछ आपके एग्जाम्पल बुक के हैं उसका देखिए, कसदनचित, जैसे कसदनचित, कसदनचित, इसका इसके स्थान पर क्या करना है, हमको तालव्य सह करना है। ठीक है, कौन सा सह करना है, तालव्य सह। रूप क्या बनेगा आपका, कश्चित। क्या बनेगा प्यारे बच्चों, कश्चित। ठीक है, हलंत आएगा ही कश्चित। ठीक है, उसी प्रकार से आपके सकृतु संधि की एग्जाम्पल देखिए, और ये आपके सचोत्तर संधि के एग्जाम्पल थे सचोत्तर संधि के। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, इधर व्यंजन होगा पद के अंत में, उधर भी क्या होगा, उधर व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है। रूप क्या बनाएगा आपका, व्यंजन का ही, वर्ण का ही रूप बनाएगा। आप देखिए सचोत्तर संधि के एग्जाम्पल देखिए कुछ और है, जैसे अभिधंत, अभिधन, नोट करते जाइए आप लोग, अभिधन त। अब देखिए यहाँ पर जो ये मूर्धन्य सह है, यहाँ पर तय है, तो हमको परिवर्तन क्या करना है, ये करना है। रूप क्या बनेगा आपका, अभिष्ट। अगर बाद में आपका ये मूर्धन्य सह होता और इधर आपका ये सह होता तो चेंज करते, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका मूर्धन्य सह दे रखा जाता है, तो अपने इसको चेंज करेंगे। ठीक है, क्या बनेगा, अभिष्ट। क्या बनेगा, अभिष्ट। और देखिए इसी प्रकार से एग्जाम्पल, पुष्धन तय, पुष्धन तय।
अब देखिए हम किसको चेंज करेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, किसको करेंगे, इसको चेंज करेंगे। अगर ये मूर्धन्य से इधर होता तो हम इधर चेंज करते, ठीक है। क्या बनेगा रूप? पुष्ट। क्या बनेगा? पुष्ट। और देखिए एग्जांपल विषधनु, इसको देखिए एक बार, विषधनु। अब देखिए ये जो न है इसके स्थान पर क्या होगा? टेटेटेन वाला विष्णु। क्या बनेगा? विष्णु। और देखिए इसके एग्जांपल उपविश, देखिए उपविश धन त। अब हम इसके स्थान पर चेंज नहीं करके किसके स्थान पर करेंगे? इसके स्थान पर, तो क्या बनेगा? उपविष्ट। क्या बनेगा? उपविष्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपका इतना ही है। आप इसको इन सूत्रों को याद करोगे और इसके जब एग्जाम्पल करोगे जिस तरीके से मैंने आपको बताया, आप उसका अभ्यास करोगे, अपनी कॉपी में नोट करोगे, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे जो हम चर्चा करेंगे विसर्ग संधि के विषय में, और कुछ इसके हैं, कुछ संधि हैं जसत्व संधि जैसे, और कुछ भी कुछ और भी हैं संधियां आपकी एक्स्ट्रा, उनके बारे में अध्ययन, अनुनासिक है, अनुस्वार संधि है, उनके बारे में एक एक दो दो एग्जाम्पल से अभ्यास करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। थैंक यू।